हेलो गाइस, इजली टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। चलिए तो आज हम फिजिक्स में वर्क को स्टडी करेंगे। तो वर्क, जिसे हम कार्य के नाम से जानते हैं, क्या है वर्क? तो वर्क क्या है कि वर्क एक भौतिक क्रिया है, फिजिकल प्रोसेस है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की ही दिशा में विस्थापित कर सकते हैं। तो उसमें हम जो भी कार्य करते हैं वो आपका वर्क है, जो भी हमारा श्रम होता है वो आपका वर्क यानी कि कार्य कहलाता है। तो भौतिक प्रक्रिया है ये, फिजिकल प्रोसेस। तो आप देखिए कि एक कोई बॉडी आपकी रखी हुई है और उस पर फोर्स अप्लाइड इस डायरेक्शन में हो रहा है, और जस्ट इमेजिन कि अगर वो इस प्लेस तक आ जाती है, ये बी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, तो ए से बी तक के बीच की दूरी या डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, ये आपका डी हुआ। तो ये हमारी बॉडी इस प्लेस पे आ गई, तो यहाँ पर आपका वर्क आपका हो जाता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, बल गुणा विस्थापन। डी फॉर डिस्प्लेसमेंट है और एफ फॉर फोर्स है। तो ये आपका वर्क हुआ। वर्क ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अब देखिए, एक कंडीशन आपकी ऐसी आती है कि अगर बॉडी आपकी इस तरीके से है, ए पॉइंट है आपका, बट आप फोर्स अप्लाइड किसी एंगल पे कर रहे हैं, अगर आपने फोर्स अप्लाइड किसी एंगल पे किया है और आपकी फिर भी बॉडी इस तरीके से बी प्लेस पे आ जाती है और ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गया, देन अब आपका वर्क जो निकाला जाएगा वो आपका इसके परपेंडिकुलर लाइन डाल के इसका थीटा एंगल मेजर किया जाएगा, तब आपका वर्क फाइंड आउट होगा। W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम वर्क को निकालेंगे अगर किसी एंगल पे फाइंड आउट कर रहे हैं, हमने अप्लाई किया है एफ फोर्स किसी एंगल पे, तो हमारा वर्क होगा एफ डी कॉस थीटा। तो अब अभी हमने पढ़ा एक वर्क W इजकल टू एफ डी कॉस थीटा, या फिर आप W इजकल टू हम एफ डी भी कह सकते हैं, एफ डॉट डी। अब यहां लगा हुआ है एफ डॉट डी, फिर भी ये मल्टीप्लाई ही हो रहा है आपस में। तो डॉट हम कब लगाते हैं? डॉट हम जब लगाते हैं जब हमारा स्केलर मींस अदिश गुणन हो रहा हो, तब हम लगाते हैं डॉट। और जब अगर हमारा वेक्टर सदिश गुणन हो रहा होगा तब हम लगाएंगे क्रॉस, तब हम यूज मल्टीप्लाई का इस तरीके से साइन करते हैं, और जब हमारा स्केलर हो रहा है तब हम डॉट लगाते हैं। तो स्केलर का मतलब है आपका आदेश और वेक्टर का मतलब है आपका सदिश। तो इसका मतलब क्लियर हुआ कि वर्क जो है आपकी वो एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आपका ये हो गया स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए, अभी डायग्राम आपने बनाया था तो उससे आपने समझा कि W इजकल टू एफ डी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा में आपकी तीन कंडीशन है। तो पहली कंडीशन है अगर इफ परपेंडिकुलर लग रहा हो, मींस थीटा इज इक्वल टू 90। पहली कंडीशन है अगर फोर्स आपका बिल्कुल परपेंडिकुलर लग रहा हो, डिस्प्लेसमेंट के, विस्थापन के एकदम परपेंडिकुलर लग रहा हो, मींस एंगल जो है वो आपका 90 का बनना हो, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे
90 की, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा F डॉट D cos 90। और cos 90 की आप वैल्यू जानते हैं क्या होती है, 0। तो F W इज इक्वल टू हो जाएगा F डॉट D डॉट 0। 0 आपका जब मल्टीप्लाई होगा तो ऑल इज इक्वल टू 0, तो हमारा W इज इक्वल टू आ जाएगा 0। मींस अगर किसी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 का है, या फिर कहा जाए कि वो इन ईच अदर परपेंडिकुलर हैं, तो हमारा जो वर्क होता है, किया गया कार्य शून्य होगा, जीरो होगा। सेकंड कंडीशन हमारी, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मींस जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा हो, मींस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, तो हमारा थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, मींस वो दोनों आपस में पैरेलल है। अब तो पैरेलल है तब पुट करेंगे अगर हम, तो W इज इक्वल टू एफ डी, और कॉस 0 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा एफ डॉट डी, ये हमारा आ जाएगा वर्क जब पैरेलल होंगे। अब तीसरी कंडीशन आपकी आती है, इफ थर्ड कंडीशन है आपकी के थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब है कि अगर हमारा फोर्स अप्लाइड इस डायरेक्शन में हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, ये प्रोसेस आपकी एक्शन रिएक्शन के टाइम पे आती है, तो आप अब थीटा की जगह 180 डिग्री रखेंगे, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा F डॉट D, और cos 180 की वैल्यू है -K1, देन W इज इक्वल टू हो जाएगा -K FD। अब कार्य ऋणात्मक है, वर्क इज नेगेटिव है, आपका वर्क जो है वो नेगेटिव है, ऐसी कंडीशन भी आती है। ऐसी कंडीशन कब आती है कि जब आप दीवार को धक्का दे रहे होते हैं, या कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं, किसी ऐसी भारी पत्थर को खिसका रहे होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, और वो बिल्कुल भी विस्थापित नहीं होता, बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो क्या आपने कार्य नहीं किया? आपने कार्य किया, बट वो कार्य आपका नेगेटिव होता है, क्योंकि वहां पर जब आप दीवार को धक्का लगाते हैं तो दीवार भी आपके ऊपर फोर्स लगाती है, एक्शन का रिएक्शन फोर्स होता है, इसीलिए वहां पर हमारे द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव में हो जाता है, वहां पर 180 का साइन हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे के टॉपिक देखते हैं। देखिए, अब है टॉपिक हमारा यूनिट ऑफ वर्क, कार्य की इकाई। तो हमारा फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एफ डॉट टी, तो कार्य W इज इक्वल टू बल गुणा विस्थापन। तो देखिए कि हमें अब वो यूनिट निकालनी है, तो फोर्स की यूनिट होती है आपकी न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट दूरी है, डिस्टेंस है, तो उसकी यूनिट होती है मीटर। तो आप किस तरीके से W की जो यूनिट आई वो आई न्यूटन इंटू मीटर, ये आपकी जो यूनिट है वो एम के एस में है। नेक्स्ट, हमारी कई सारी पद्धति हैं, कई सारे सिस्टम हैं मीजरमेंट के, तो अब हम इसको देखते हैं कि W को, मीन्स कार्य को, हम जूल में भी मीजर करते हैं। जूल भी आपने पढ़ा होगा, तो जूल में जो मीजर करते हैं, ये आपकी यूनिट हमारी एस आई में है। एस आई में हम कार्य को जूल में मीजर करते हैं, एस आई में भी हम न्यूटन मीटर में भी करते हैं। नेक्स्ट, सी जी एस सिस्टम जो है हमारा, तो कार्य की एक यूनिट जो है हमारी अर्ग भी है, ERG अर्ग, ये जो यूनिट है आपकी, ये आपकी सी जी एस सिस्टम में है। सी जी एस सिस्टम में क्या है हमारा कि W इज इक्वल टू
जो फोर्स होता है वो डाइन में यूज होता है, और आपका डॉट प्रोडक्ट लगा, और जो दूरी डिस्प्लेसमेंट है वो सेंटीमीटर में यूज होती है, तो न्यूटन इंटू वो डाइन इंटू सेंटीमीटर को हम यहाँ पर अर्घ के नाम से भी जानते हैं। तो अर्घ इज इक्वल टू हो जाता है हमारा डाइन इंटू सेंटीमीटर, ये आपकी सीजीएस सिस्टम में होती है। अब जूल और अर्घ में रिलेशन है, तो आपका एक जूल इज इक्वल टू होता है 10^7 अर्घ, एक जूल इज इक्वल टू होता है 10^7 अर्घ। ये रिलेशन होता है जूल और अर्घ में। चाहो तो आप इसे फाइंड आउट भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हैं हम डाइन को फोर्स को चेंज करके और सेंटीमीटर का मीटर से चेंज करके, तो आपका यही फाइंड आउट हो गया जाएगा, एक जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्घ। ये आपका रिलेशन हो गया। तो इतनी सारी यूनिट्स हैं, जिसमें भी आपसे न्यूमेरिकल में आए आप वही अप्लाई करें, ये सारी यूनिट्स आपकी वर्क की है। अब हम पढ़ेंगे रेट ऑफ वर्क डन या पावर, कार्य करने की क्षमता या पावर शक्ति। तो जैसा कि अभी आपने हिंदी में पढ़ा कार्य करने की दर या क्षमता, तो यही इसकी डेफिनेशन है कि किसी मशीन के कार्य करने की दर या कार्य करने की क्षमता को ही उसकी शक्ति या पावर कहते हैं। इंग्लिश में कहा जाए तो आप कह सकते हैं रेट ऑफ वर्क डन बाई एनी मशीन इज नोन एज इट्स पावर। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। तो पावर है, तो पावर का आप देख रहे हैं कि ये पी है, तो इसे पी से ही डिनोट किया जाता है, पी से ही डिनोटेड किया जाता है। तो रेट ऑफ वर्क डन कार्य करने की दर, तो डब्लू, और दर हमेशा रेट जो होती है वो टाइम के रेस्पेक्ट में निकाली जाती है, तो इसका फॉर्मूला हो गया पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। अब यहां से अगर आप इसका फॉर्मूला निकालते हैं तो यूनिट निकालेंगे, तो डब्ल्यू की यूनिट हो गई आपकी जूल, और टाइम की आपकी होती है यूनिट सेकेंड, तो इसकी यूनिट आ गई जूल पर सेकेंड, तो इसकी यूनिट हो गई ये। ये भी एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, इसके लिए भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो जूल पर सेकंड, इसको दूसरे वर्डों में हम वाट कहते हैं। तो वाट का हम स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपकी पी की यूनिट हो जाएगी आपकी, पावर की यूनिट हो जाएगी आपकी वाट, जिसे हम स्मॉल डब्ल्यू से भी या डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपकी हो गई शक्ति, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, तो इसकी यूनिट हो गई आपकी वाट या जूल पर सेकेंड। तो आपका वर्क पावर एंड एनर्जी में से वर्क एंड पावर को स्टडी कर लिया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एनर्जी को स्टडी करेंगे।